जो सेल्स का जो टेबल है उसके अंदर एक वैलिडेशन रूल मैंने अप्लाई किया है। इसके मुताबिक फॉर एग्जांपल अगर आप पे कोई कस्टमर आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप पे उसमें कोई उसको डिस्काउंट देना चाहें तो सेल किया है और यहाँ पे उसको हम डिस्काउंट देना चाहें फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़, तो जैसे ही हम यहाँ पे ओके करें तो यहाँ पे डिस्काउंट लिमिट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 50 होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऐसा होगा क्योंकि मैंने जो डिस्काउंट लिमिट है वो क्या किया है 10 से ज़्यादा हो और 50 से कम हो और 10 और 50 के दरमियान रखा है। तो ये कैसे हम डिस्काउंट लिमिट को डेटा के अंदर सेट कर सकते हो वो आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे। तो बेस्ट एक्स वाई जी शेयर चैनल में आपको खुशामदी दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक टेबल मैंने सेल्स का बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने कोई परचेज मुझसे परचेज़ किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इन जो कस्टमर हैं इनको कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी कस्टमर को कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो उसमें वैलिडेशन रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे? वैलिडेशन रूल से मतलब ये है कि एक मखसूस आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकेंगे? ठीक है, उसमें आप कोई रेस्ट्रिक्शन आप कैसे लगाएंगे कि एक मखसूस डिस्काउंट आप दे दें उससे ज़्यादा ना दे दें या आप एक मखसूस डिस्काउंट दे दें उससे कम ना हो? तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, उसकी डिज़ाइन भी में जाता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है, अब इसको मैं करेंसी की शक्ल में चाहता हूँ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक वैलिडेशन रूल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 रुपीज़ के बराबर। ठीक है दोस्तों, जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो क्या हो, 50 से ज़्यादा ना हो या 50 के बराबर हो या 50 से कम हो। अच्छा दोस्तों, मैं इसको जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, हमने ये लिखा है कि ये ग्रेटर देन ये 50 से बड़ा ना हो और इक्वल टू 50 हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम नीचे यहाँ पे अब हम लिखते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं डिस्काउंट लिमिट, डिस्काउंट लिमिट मस्ट बी लेस देन 50। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा कि डिस्काउंट लिमिट मस्ट बी लेस देन 50। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम इस डेटा को हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे यस, फिर इसको भी हमें यस करना है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ सेल्स का जो फॉर्म है इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ डिज़ाइन में आते हैं। तो ये सेल्स का फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फॉर्म डिज़ाइन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ एक तरफ प्रॉपर्टी है, दूसरी तरफ एड एग्जिस्टिंग फील्ड। जब ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके जितने भी फील्ड है वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये फील्ड अब हमने नया बनाया है, तो इसको यू पकड़ के इसके बराबर यहाँ पे लाके इसको ओके करते हैं, तो अब ये इस हिसाब से एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे एक के कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद यहाँ एक डेट का जो खाना है इसको फिल करते हैं और यहाँ पे अमाउंट इसने कितने का परचेज़ किया, 500 का।
500 का। अब हम यहाँ इसको डिस्काउंट देना चाहते हैं 60 रुपये, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेव करें इस डेटा को, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आएगा कि डिस्काउंट लिमिट मस्ट बी लेस देन 50, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डिस्काउंट लिमिट मस्ट बी लेस देन 50, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसको अब हम करते हैं 50, ठीक है। अब 50 करके दोबारा हम ओके करते हैं, तो ये क्या होगा, सेव का ऑप्शन आएगा और इसको हम सेव करेंगे। अब ये डेटा सेव हो गया। ये हमने क्या किया, जो एक लिमिट हमने, अपर लिमिट हमने वो की, सेट की। अब हम चाहते हैं कि अपर एंड लोअर दोनों लिमिट हम कैसे इसमें लगा सकते हैं, तो इसके लिए इसको दोबारा मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ दोबारा इसमें आते हैं सेल्स के टेबल में, इसमें राइट क्लिक करते हैं, फिर आप इसी को डिस्काउंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। आने के बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये तो हमने 50 से ज़्यादा ना हो। अब हम 50 से यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो अमाउंट है वो क्या हो, जो अमाउंट था वो अमाउंट छोटा या इक्वल, सॉरी, इक्वल टू 10। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो 10 से छोटा ना हो और 10 के बराबर हो, एंड 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 क्या हो, 50 से ज़्यादा ना हो और 50 से कम हो। तो यहाँ पे दो लिमिट्स हमने सेट किया है। और यहाँ पे अब हम इस वैलिडेशन टेक्स्ट को हम क्या करें, यहाँ पे इसको चेंज करें, चेंज ये करें कि यहाँ डिस्काउंट लिमिट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 50, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, सॉरी, अब हम इसको सेव करते हैं, यस, फिर यस, उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से। अब हम दोबारा इसमें आते हैं, कहाँ पे आते हैं, फॉर्म में आते हैं। अब फॉर्म को ओपन ओपन करते हैं और यहाँ से किसी बंदे को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डेट डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट उसने कितने का परचेस किया, कोई चीज़ हमसे ले ली, 300 का ले लिया और इसको हमने डिस्काउंट दे दिया 9 रुपये का, ओके। तो 9 पे भी ये नहीं मान रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 9 पे भी ये नहीं मान रहा है। आप हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये 9 पे भी नहीं मान रहा है। ठीक है, आप इसको ओके करते हैं और अब यहाँ पे हम लिखते हैं 60, ठीक है। अब हमने 10 से ऊपर का हमने लिमिट सेट किया था, अब 9 किया तो नहीं होता, अब 50 का हमने सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पे 60 करते हैं और यहाँ पे दोबारा हम ओके करते हैं, तो फिर भी ये नहीं मान रहा। तो हमें अभी क्या करना है, 50 और 10 के दरमियान कोई भी अमाउंट हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 10, ठीक है। जब 10 हम करेंगे तो ये डेटा क्या होगा, सेव होगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह करके किसी भी अपने डेटा के अंदर वैलिडेशन रूल अगर आप सेट करना चाहें तो ये एक इजी मेथड है, आप टेबल के अंदर जाके आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये एक मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया।